हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम व्यूअर्स स्टार्ट करेंगे सीबीएसई की स्पेशल पेडागोजी क्लासेस। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारी सीबीएसई की स्पेशल पेडागोजी की स्पेशल क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लास एज, यानी सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है मैनेजमेंट बिहेवियर का, वो सीनियर क्लास में क्या होता है, यानी कि बड़ी क्लास में सीनियर क्लास में किस तरह से अपने आप को बिहेवियर को मैनेजमेंट करना चाहिए। तो जिसके ऑप्शंस हैं, टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि टीचर्स के अंदर कमी जो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये पहला चैलेंज होगा। दूसरा होता है स्टूडेंट्स रीडिनेस टू यूज़ द स्मार्ट बोर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स का जो रीडिंग होता है पॉइंट, वो यूज करते हैं स्मार्ट बोर्ड को। सी, स्टूडेंट्स लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल्स, यानी स्टूडेंट के अंदर कमी होती है सेल्फ स्टडी स्किल की। या डी पॉइंट, टीचर्स जो होते हैं प्रिफ्रेंस करते हैं टू कंडक्ट ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल वर्क, यानी कि वो एक ग्रुप बनाकर इंडिविजुअल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा अपना प्रिफ्रेंस देते हैं। तो इसमें जो आपका पॉइंट होगा वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि स्टूडेंट लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल, यानी स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी कमी जो होगी वो सेल्फ स्टडी करना, ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अगर बड़ी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में तो हम मान सकते हैं कि उनके अंदर कमियां होती हैं, लेकिन सीनियर क्लास के अंदर, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है आज सीनियर क्लास, तो सीनियर क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट के अंदर ये कमी है, फॉल्ट है कि लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया ऑफ अ असेसमेंट इज A/N। ओके, यानी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए असेसमेंट का। तो ए ऑप्शन है जनरल इम्प्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी, यानी सामान्य इंप्रेशन जो हमारा होता है स्टूडेंट की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। या बी ऑप्शन है असेसमेंट गाइडलाइन होनी चाहिए उनके लिए। या सी ऑप्शन है स्कोरिंग की होनी चाहिए, कोई स्कोरिंग का हम एक सेटअप बना दें उसको कराएं। या डी ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी क्वेश्चन वाइज हम जैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आमतौर पर आपने एग्जाम पेपर में देखा होगा उसमें क्वेश्चन वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मार्क्स का, या वो होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा क्राइटेरिया बनता है असेसमेंट का वो बनता है ए। क्यों बनता है? क्योंकि जनरल इम्प्रेशन, जो सामान्य इम्प्रेशन जो होता है स्टूडेंट की एबिलिटी के अनुसार ही हमें असेसमेंट की क्राइटेरिया सेटअप करना चाहिए कि आखिर स्टूडेंट के अंदर क्या एबिलिटी है। हमें स्कोरिंग की से नहीं सेटअप करना चाहिए, ना ही क्वेश्चन वाइज से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मार्क्स का, क्योंकि असेसमेंट की क्राइटेरिया इसी चीज़ पर निर्धारित करती है कि वो जनरल इम्प्रेशन हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट की एबिलिटी हमें जिसमें दिखाई जानी चाहिए उसी में ही हम उसकी क्राइटेरिया सेटअप करते हैं। क्योंकि एक टीचर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना, एनालिसिस करना। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग क्या है आप सोच रहे होंगे, रोट लर्निंग का मतलब होता है, आई टेल यू, रोट लर्निंग होती है रट्टा मारने वाली, जो एक रटते नहीं है जो बोलते हैं रटने वाला सिस्टम। क्योंकि कुछ दो तरह के स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, एक होता है कि जो समझता है, अपना काम करता है, सॉल्यूशन देता है, दूसरा होता है कि जो सिर्फ रटता है, समझने से उसे कोई मतलब नहीं है। तो रोट लर्निंग क्या है? तो पहला पॉइंट है मैकेनिकल, यानी इसको बोल सकते हैं हम हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, यानी कि ऐसी लर्निंग जो बिना कुछ समझे बस सिर्फ रटने में लगे हुए हैं, याद करने में लगे हुए हैं। बी ऑप्शन है लर्निंग विद ग्रेट जील एंड एंथुसियाज्म, यानी कि जोश और उत्साह के साथ में हम सिर्फ याद कर रहे हैं, याद तो करते हैं लेकिन जोश और उत्साह के साथ, क्या है और कुछ नहीं है। सी, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, यानी लर्निंग तो है लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है पनिशमेंट की वजह से हम उसको कर रहे हैं या कुछ और रीजंस हो सकते हैं, सेम की वजह से हम कर सकते हैं, बस इस वजह से लेकिन इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं है लर्निंग का। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रोट लर्निंग है क्या, तो वैसे ही ए पॉइंट यहाँ पर हम जाएंगे ए पॉइंट के साथ में कि मैकेनिकल लर्निंग, यानी कि बच्चा सिर्फ
याद कर रहा है, हैबिचुअल है उसको, बचपन से ही सिखाया जाता है बेटा याद करो बस, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, विदाउट अंडरस्टैंड प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं किया उसने और सिर्फ उसको लर्न करता रहा। तो ए पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज, यानी गैदरिंग स्किल जो होती है पढ़ने के दौरान क्या हमें दिखाती है, क्या जिससे हम देख सकते हैं। ए ऑप्शन है एनालिसिस, बी ऑप्शन है नोट टेकिंग, सी ऑप्शन है नोट मेकिंग और डी ऑप्शन है पजलिंग आउट। तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि गैदरिंग में जब हम स्किल को चेक किया जा सकता है, यानी कि इकट्ठे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं ग्रुपिंग में, तो उसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, उससे एनालिसिस हो सकता है कि कौन विच इज बेटर है, हु इज बेटर। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ, क्योंकि पेडागोजी की जो सीरीज होती है इसमें जो क्वेश्चन सीटेट और टेट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो अक्सर देखने में हमें यही लगते हैं कि ये क्वेश्चन हम ये सही होगा, इसका ऑप्शन ये सही होगा, लेकिन हमें अपने IQ अपने लेवल से नहीं चेक करना है, हमें एक टीचर के सिस्टम के टीचर के अकॉर्डिंग ही इस मार्क्स पर जाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तभी हम उसको सेटअप कर पाएंगे आंसर को, अदरवाइज हम उसमें मिसगाइड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, टीचर द टीचर वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू फील अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन दे डू नॉट अंडरस्टैंड। टीचर चाहता है बच्चों से कि जब वो भी कुछ भी हमसे अगर पूछते हैं, यानी उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आता है और वो हमसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो उनको कैसा होना चाहिए, उनके मन में क्या फीलिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन होपफुल, रेक्टुलेंट, सॉरी या कॉन्फिडेंट, यानी कि आशावादी होना चाहिए, रेक्टुलेंट होना चाहिए, ये सॉरी होल के अंदर फीलिंग होने चाहिए या कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब तक हमारा कॉन्फिडेंट नहीं होगा पूछने के लिए, उसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होगा, तब तक स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को नहीं पूछ सकता। इसलिए स्टूडेंट के अंदर हमेशा हमें ये चाहना कोशिश करनी चाहिए वो कॉन्फिडेंट बने, जब वो कॉन्फिडेंट होगा तो हमसे आराम से क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है। अगर उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसके क्वेश्चंस डाउट्स हम कभी क्लियर नहीं कर सकते, और वो हमेशा यस को भी यस कहेगा और नो को भी यस कह देगा, और वो डरा रहेगा और अपनी ग्रोथ कभी नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक आपने सुना होगा आजकल CBSE क्लासेस में, NCERT पैटर्न ने भी स्टार्ट कर दिया है कि फोनेटिक्स की एक अलग से बुक उन्होंने प्रोड्यूस की है, और उसका क्या मतलब है, फोनेटिक को साइंस का दर्जा दिया गया है, फोनेटिक्स क्या है। तो फोनेटिक्स की यहाँ पर किससे कंपैरिजन है, साउंड्स होता है, रीडिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है या राइडिंग राइटिंग होता है। तो फोनेटिक्स हमारा होता है साउंड, यानी कि फोनेटिक्स के जरिए हम अपने साउंड को कैपेबिलिटी को सही करते हैं, एबिलिटी को सही करते हैं, और फोनेटिक्स की वजह से ही हम अपने जो भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको पहले हम अपना क्लियर वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हमारे साउंड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जाता है, भले ही हम प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं लेकिन हमारा साउंड अगर सिस्टम उस टाइम पर उस वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा है तो हमारा फोनेटिकली वो वर्ड करेक्ट नहीं होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड, यानी कि इसमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है। विजुअल यानी कि जो दिखाई देने वाला सहायक होता है, एडमी सहायक हो गया, सहायक है कौन सा नहीं है। इसका आंसर तो आई थिंक आप सभी लोग जान चुके होंगे, ब्लैक बोर्ड, रेडियो, चार्ट्स, बर्ड कार्ड्स। तो ब्लैक बोर्ड पर भी हम देख सकते हैं, ओके, चार्ट्स पर भी देखा जा सकता है, बर्ड कार्ड्स तो आप जानते होंगे जो बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें अल्फाबेटिकल या नंबर सिस्टम का भी यूज होता है, उसका यूज होता है, तो उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन रेडियो पे ओनली सुना जा सकता है, वी कैन हियर, वी कैन लिसन ओनली बट नॉट सी, हम देख नहीं सकते रेडियो पर। तो रेडियो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि रेडियो इज नॉट अ विजुअल एड। ओके गाइस, और आपको मैं बता दूं कि ऊपर जो हमारा आई बटन है उस पर क्लिक करके आप और भी कॉम्पिटिशन सीरीज को देख सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, एवेल्यूशन इन आर टीचिंग प्रोग्राम। एवेल्यूशन टीचिंग प्रोग्राम में क्या अपना इम्पोर्टेंस रखता है। ए ऑप्शन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एवेल्यूशन कब होना चाहिए, कब होना चाहिए एवेल्यूशन,
यानी कि सिर्फ लास्ट ईयर ईयर के सबसे लास्ट में जाके, बी ऑप्शन टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ ए लेसन यानी कि हर एक लेसन के ख़त्म होने पर, सी ऑप्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन ऑल्सो यानी कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब भी लेसन के दौरान हम इसको कर सकते हैं, लेसन जब हम अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके दौरान भी इसको किया जा सकता है। डी ऑप्शन है इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग यानी कि अभिन्न पार्ट नहीं है टीचिंग का, तो ऐसा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है कि टीचिंग का ही पार्ट नहीं है। अब ईयर के लास्ट में जाके तो ये भी ऑप्शन नहीं सेट होगा, क्यों भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी साल आप पढ़ाते रहें और वैल्यूएशन उसका चेकिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेसन के एंड में जाके तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड में एक मेंटलिटी डेवलप हो जाती है कि तो लेसन के बाद में पूछा देखा जाएगा, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लेसन की ड्यूरिंग दौरान भी चलती जा सकती है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली बनाए रखना चाहिए जिससे कि हम बच्चे का एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टूडेंट इस समय चाइल्ड क्या सीख रहा है, उसके अंदर क्या उसकी वर्किंग प्रोग्रेस क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पेडागोजी कहते हैं इसको, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम जिसको कौन सा ऑप्शन होगा और जिसको सोचते हैं वो हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि हमें अपने लेवल से नहीं सोचना है। इसको सोचने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको एक टीचर के वैसे नज़रिए से देखना है, तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टराइज्ड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी कि लैंग्वेज एक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और करेक्टराइज्ड्स यानी कि जो चरित्रार्थ करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, कि ये क्वेश्चन हमारे टेट एग्जाम में और सी टेट में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टराइज्ड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं ग्लेशन, रॉबिन्सन, आर अग्रवाल, महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दूं, इसका ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेडागोजी से रिलेटेड तो है, लेकिन एक स्टेटमेंट है। तो इसमें ग्लेशन नाम का जो एक ऑथर दिए हैं, ये आपके सही होगा आंसर। इस ये स्टेटमेंट जो था वो ग्लेशन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट वाई यानी कि जो रीडिंग स्किल्स है वो उसको डेवलप्ड किया जा सकता है सबसे अच्छे तरीके से। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि इसमें जब भी हम आंसर को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें बेस्ट वन चूज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो इसमें आंसर सभी ऑप्शन सही होते हैं, कभी कभी ये होता है कि एक ऑप्शन रॉन्ग होता है बाकी तीन सही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें फोर्थ ऑप्शन जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो सभी सही है, सभी राइट है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके ऑप्शंस हैं ए, राइटिंग आंसर टू क्वेश्चंस ऑन द टेक्स्ट यानी कि हम आंसर को लिखवाएं और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको लिखवाएं। बी, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट यानी हम फोकस रखें उन वर्ड्स पर जो हम टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, यानी कि जो हम तक पैटर्न दे रहे हैं सिस्टम उससे जो प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चनिंग का, उस पर हम फोकस सबसे ज़्यादा करें उसके वर्ड पर और उसको क्या फोकस है उसका। सी, डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज यानी कि हम उसको वोकैबुलरी एक्सरसाइज दें। डी ऑप्शन है डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स यानी उसको करने के लिए हम क्या करें कि क्विजेस करो या प्लेइंग वर्ड गेम्स खेलो। तो इसमें जो रीडिंग स्किल सबसे ज़्यादा अगर हम बढ़ा सकते हैं तो इसमें बढ़ाने के लिए है बी ऑप्शन, क्योंकि अगर फोकस किया जा सकता है यूज ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं फ्रॉम कंटेस्ट से जो लिखने में, उसमें वो देखिए कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी है, हम लोग भी वही वर्ड लिखते हैं ज़्यादातर जिनको हम अच्छे से बोल सकते हैं या जिनको अच्छे से लिख सकते हैं, जो हमारे माइंड में अच्छे से प्रॉपर सेव होते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उसी वर्ड का हम सिलेक्शन करते हैं और उसी वर्ड को हम यूज करते हैं। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर ये चिल्ड्रन होता है, बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसी वर्ड्स को लिखते हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि उसकी रीडिंग पावर स्किल्स क्या होगी। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंडिविजुअल साउंड से बिलोंग करता है, यानी संबंध रखता है. क्या पॉइंट हो सकता है? एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ही, या डी वाला ऑप्शन है, ना तो ए और ना ही बी. तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी भी चीज़ का सबसे पहले एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसकी और फ्लुएंसी भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बोलने में अटक रहे हैं तो फ्लुएंसी नहीं है तो भी रॉन्ग है, और एक्यूरेसी हम जो बोल रहे हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए. तो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों ही होनी चाहिए. गाइज, हो आई होप सो कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. बस प्रैक्टिस आपको करना है, सीटेट का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर है, तो इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम इसी सीरीज में. व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम, इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट. यानी कि एक चाइल्ड है जो बच्चा है, उससे हम कहते हैं पोएम को सुनाने के लिए, तो इससे इसकी टीचर की सहायता हो सकती है. किस प्रकार से? टेस्ट में, यानी वो टेस्ट लेता है. भाई टीचर टेस्ट ही तो ले रहा है, ओरल टेस्ट ले रहा है, भैया आप एक पोएम सुनाइए मुझे. तो पोएम को सुनाने के लिए टीचर बच्चे से बोलता है, ऑफर करता है कि आपको टीचर सुनाना है, पोएम सुनानी है. तो इसके लिए किस प्रकार का टेस्ट उसमें हेल्प कर सकता है, इससे क्या हेल्प हो रही है? ए ऑप्शन, नॉलेज ऑफ लिटरेचर. इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि स्टूडेंट को लिटरेचर की नॉलेज अच्छी है. दूसरा ऑप्शन यानी कि है बी ऑप्शन, प्रोफेंसी इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में वह कुशल है, एक्सपर्ट है. सी ऑप्शन, एक्टिंग टैलेंट, उसके अंदर एक्टिंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है. डी ऑप्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर सबसे ज़्यादा है. तो ये हिसाब से बनेगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि एक्टिंग टैलेंट. गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि सीखने वाले जो स्टूडेंट्स, यानी कोई भी सीखने वाला होगा, उसकी स्पीकिंग स्किल्स को सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट इसमें इफेक्ट कर सकता है, यानी इम्प्रूव कर सकता है, वो पॉइंट्स देखते हैं. ए नंबर, रीडिंग अप्रोच एंड ड्रामा अलाउड, यानी कि प्रोज तो आप जानते होंगे जो आपने 11 12 तो बी वगैरह में पढ़ा होगा प्रोज. बी ऑप्शन है ओरल लैंग्वेज ड्रिल, यानी ओरल लैंग्वेज की अच्छी करा दी जाए तो उसके बेस्ट इम्प्रूविंग हो सकता है. सी पॉइंट है डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस. डी रिसाइटेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री वो ज़्यादा सुनाए, इससे स्पीकिंग स्किल्स बढ़ सकती है, ओरल लैंग्वेज से स्पीकिंग स्किल्स बढ़ सकता है, या प्रोज को या ड्रामा को अगर वो सबसे ज़्यादा स्टडी करता है या बोलता है तो उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ सकता है. तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा इसमें, वो होगा सी. बिकॉज डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बोलने में, क्योंकि ग्रुप और डिस्कशन से ही जब डिबेट होती है तो उसमें एक दूसरे के आइडियाज और थिंकिंग का हम कंसीडर करते हैं और स्पेशली बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन से भी हमें हमारी स्किल्स बढ़ सकती है स्पीकिंग का. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है इसी सीरीज में. ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है बुद्धिशीलता होती है जो, लेकिन इसके जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है? ए पॉइंट्स है आपका टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन ए टॉपिक, यानी एक टॉपिक पर हम सभी प्रकार के आइडियाज को कलेक्ट कर लें. बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, यानी हम कुछ मेंटल एक्सरसाइज करें. सी ऑप्शन है टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कुछ प्रयास करने चाहिए हमें समझने की कुछ नई चीज़ों के. डी ऑप्शन है टू गिव सम काइंड्स ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रोग्राम हमें अपने माइंड में डेवलप करने चाहिए. तो ये पॉइंट्स हैं. तो बी पॉइंट यहाँ पर सबसे सूटेबल है, क्योंकि टू डू सम मेंटल एक्सरसाइजेस हमें अपनी बुद्धिशीलता को, यानी अपने माइंड को बढ़ाने के लिए, ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें मेंटल एक्सरसाइज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना हम मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं उससे ज़्यादा ही हम बुद्धिशीलता, अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन इसी सीरीज का है 15 नंबर का. लैंग्वेज एक्विजिशन ऑक्यूर्स ओनली व्हेन, यानी कि लैंग्वेज हम किस प्रकार से, यानी जो अपनी लैंग्वेज की भाषा को सीखने के लिए, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? तो ए ऑप्शन है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी बच्चे को सिखाया गया हो कि ग्रामर के रूल्स,
बी ऑप्शन द चाइल्ड इज गिवेन अ रिवॉर्ड, अगर बच्चे को एक रिवॉर्ड दिया जाता हो। सी ऑप्शन द चाइल्ड एज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी कि चाइल्ड जो होता है बच्चे को लैंग्वेज का अनावरण करना चाहिए। डी ऑप्शन है द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, यानी कि जो बच्चा होता है एब्जॉर्ब करता है लैंग्वेज को विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, बिना किसी सोचे समझे, तो वो हो सकता है। तो लैंग्वेज के लिए, इसके लिए सबसे बढ़िया और सुइटेबल पॉइंट जो रहेगा, बेस्ट ऑप्शन, वो होगा सी, क्योंकि द चाइल्ड हैज एक्सपोज टू द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का बच्चा क्या करेगा, अनावरण करेगा, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर लैंग्वेज को अपने माइंड में डेवलप कर सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आज की ये सीरीज़ फिनिश होती है, और आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, और मुझे उनके क्वेश्चंस या आपने जो भी कमेंट्स हो वो लिखकर टाइप करके भेज दीजिए। और इस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।